हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज हम आपको 2019 2019 एंड 20 का डिप्लोमा और साइंस स्ट्रीम का पेपर सॉल्व करते हैं। और 2020 का तो आप देने जाएंगे और आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा, आने वाले बच्चे देखेंगे। तो देखिए, ये पेपर काफ़ी, इसकी मेरिट काफ़ी लो गई थी। और चलिए स्टार्ट करते हैं कि बायो और केमिस्ट्री पोर्शन हम डिस्कस करेंगे, और फिज़िक्स का आप कंसर्न करिए फिज़िक्स टीचर से। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं टाइम ना वेस्ट करके। पहला क्वेश्चन है, द प्रेजेंस ऑफ डबल लेयर इन कोलाइड्स अकाउंट फॉर। देखिए, कोलाइड्स टॉपिक आपके में थोड़ा सा है कि कोलाइड हेटरोजीनियस मिक्सचर होता है, लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि जो कोलाइड्स में डबल लेयर आती है चार्ज पार्टिकल की, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम में क्या होता है। ठीक है, जो डिस्पर्जन मीडियम होता है, डिस्पर्स फेज के जो चार्ज पार्टिकल होते हैं वो मिलकर डबल लेयर बनाते हैं। तो डबल लेयर किस वजह से होता है कि कोई भी कोलाइड पार्टिकल है वो डबल लेयर क्यों बना रहा है। तो याद रखिएगा, ये इलेक्ट्रिकल, इट इज़ ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कोलाइड्स, मतलब चार्जेस जो पाए जाते हैं जो एक डबल लेयर फॉर्मेशन कर रहे हैं। इट फॉर्म अ डबल लेयर ऑफ द चार्जेस ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, मतलब जो कोलाइड्स हैं वो चार्ज पार्टिकल्स हैं, वो क्या करते हैं, वो डबल लेयर बनाते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं, कोलाइड को स्टेबिलिटी के लिए, है ना, कोलाइड की। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या है, द प्रेजेंस ऑफ डबल लेयर इन कोलाइड अकाउंट फॉर, है ना, इसका रीज़न क्या रहेगा, है ना। लेकिन इसके जो डबल लेयर कोलाइड्स में बन रही है वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से बन रही है। तो सी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस। और ये हो क्यों रहा है, स्टेबिलिटी के लिए, मतलब कोलाइड की स्टेबिलिटी के लिए जो है कोलाइड डबल लेयर बनाते हैं। और डबल लेयर बनाते क्यों हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। सी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का सी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्या कहा जा रहा है, द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल इज इट्स, किसी भी मॉलिक्यूल की जो इंटरनल एनर्जी होती है वो किस वजह से होती है, मतलब कोई भी मॉलिक्यूल है उसकी इंटरनल एनर्जी क्या ट्रांसलेशन एनर्जी कहलाती है वो, क्या उसकी जो इंटरनल, किसी मॉलिक्यूल की जो इंटरनल एनर्जी है वो ट्रांसलेशनल एनर्जी है, रोटेशनल है रोटेशन के बेसिस पे, वाइब्रेशनल एनर्जी है। तो याद रखिएगा, ये किसी भी मॉलिक्यूल की जो इंटरनल एनर्जी होती है वो सम ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स। तो डी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस। चलिए आगे तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर आप देखें 20, तो 20 में क्या कहा जा रहा है, देखिए थोड़ा इसको इधर हिंदी में भी दे रखा है, देखिए अगर आपको जो बच्चे हिंदी में देखना चाहें, लेकिन हम इंग्लिश में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या है, देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 20, विच इज़ नॉट अ ट्रू अबाउट द सॉलिड, विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट द सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के बारे में कौन सा ऑप्शन गलत है, दे हैव ए डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, ये सही है। दे हैव हाई अट्रैक्टिव फोर्सेज अमंग द जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच हाई अट्रैक्टिव फोर्स होता है, बिल्कुल सही है। दे हैव हाई वेपर प्रेशर, तो याद रखिएगा ये रॉन्ग है, इट इज़ नॉट ट्रू अबाउट सॉलिड, इनका वेपर प्रेशर हाई नहीं होता क्योंकि सॉलिड है, लिक्विड का वेपर प्रेशर हाई होता है। टेम्परेचर दे हैव ए हाई डेंसिटी एंड लो कंप्रेसिबिलिटी, ये भी सही है। तो जो गलत पूछा था, विच इज नॉट ट्रू, दैट इज़ सी। तो सी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, हाँ देखिए ये थोड़ा, अब देखिए ये क्वेश्चन भी आपका, कुछ क्वेश्चन इस पेपर में सिलेबस से बाहर हैं, लेकिन सिलेबस से थोड़ा टच में हैं, अगर आप कंसेप्ट आपके क्लियर हैं तो आप लगा पाएंगे, वरना ये आपसे गलत हो जाएगा। थोड़ा कलर चेंज करते हैं, अच्छा सा कलर लेते हैं, चलिए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 21, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज सोल्ड कॉमर्शियली एज 12 mole सॉल्यूशन। अगर आप HCl खरीदने जाएंगे तो उस पर 12 mm लिखा होगा, इसका क्या मतलब है, कह रहे हैं हाउ मैनी मोल्स ऑफ HCl आर इन 300 mL ऑफ 12 molarity सॉल्यूशन। कैपिटल M मोलरिटी है, एंड व्हाट इज़ मोलरिटी, यू विल स्टडी इन 11th क्लास। तो ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस से क्वेश्चन आया है, लेकिन आप तब भी कोचिंग में लोग पढ़ा देते हैं इसे एंट्रेंस में। मोलरिटी इज़ द नंबर ऑफ मोलरिटी का जो फार्मूला होता है, इसे कैपिटल एम से डोनोट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व इन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। एक लीटर में कितने मोल्स डिजॉल्व हैं, ये मोलरिटी, मोल्स पर लीटर इसकी यूनिट है, कैपिटल एम से डोनोट करते हैं। अब आप इसे करेंगे कैसे, उसने कहा है कि HCl को सोल्ड इस तरीके से 12 molarity सॉल्यूशन, 12 capital M, कैपिटल एम इज़ मोल्स पर लीटर। तो आपको 300 ml, अगर आप 12 मोलरिटी का 12 m का 300 ml अगर आपने ले लिया, सबसे पहला काम क्या है, वॉल्यूम को आप लीटर में करिए, तो ये कितना हो गया 0.3, 300 लगा लीजिए आप।
और यू हैव टू मल्टीप्लाई द एक लीटर में जितने मोल्स हैं उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 12 मल्टीप्लाई बाई 0.3 कितना हो गया, 3.6, कितना आ गया 3.6। तो द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर इज सी। तो इसका सी है, आप इसमें कंफ्यूज ना हो, क्योंकि मैंने आपको फार्मूला बताया कि मोलरिटी इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम होता है, तो मोल्स निकालने के लिए आपको मोलरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम्स वॉल्यूम। तो मोलरिटी 12 है इंटू, और ये जो ml है 300 ml, से लीटर में करना होगा 0.3, कितना आ गया 3.6। सी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ये देखिए आपका ये क्वेश्चन जो है इसमें दे रखा है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको परसेंटेज निकालनी है एवरेज एटॉमिक मास कॉपर का। कॉपर मेटल हैज़ टू नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स, कॉपर 63 है। देखिए कॉपर 63 जो है वो 69.17% है, आइसोटोप ऑफ मास 62.94, एंड कॉपर 65, एक 63 है उसका मास अलग है, 65 का 30.83% है, आइसोटोपिक मास है 64.93। अलग अलग मास दे रखा है, तो इसमें आप करेंगे क्या, देखिए इसमें देखिए क्या करना होता है, परसेंटेज को मास से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कॉपर 63 का मास कितना, देखिए 69 परसेंटेज कितनी है, तो 69.1 ये परसेंट हो गया। परसेंट को आप 100 से डिवाइड करिए इनटू उसका मास, तो इस आइसोटोप का मास कितना है 62.94 प्लस, इतना करेंगे, और दूसरा कितना है देखिए, दूसरे की परसेंटेज कितनी है 30.83, ये इसकी परसेंट हो गई अपॉन 100 इंटू वॉट, इंटू कितना करेंगे आप, इसका मास कितना 64.93। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए कैलकुलेशन आपको खुद करनी है। तो इसकी जो कैलकुलेशन आएगी, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि परसेंट को मास से मल्टीप्लाई कीजिए आप, उसके आइसोटोपिक मास से, 69.17% अपॉन 100 इंटू 62.94 प्लस 30.83% अपॉन 100 इंटू 64.93, यू विल गेट, इसका जो आंसर आएगा वो 63.55 आएगा ये मास। तो द एग्जैक्ट मास ऑफ कॉपर इज, वैसे 63.93 भी कुछ लिखते हैं, लेकिन 63.5 डी इज़ करेक्ट। इसे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, मैंने बता दिया परसेंटेज को एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करके 100 डिवाइड, दोनों की परसेंटेज को आप करिए। क्वेश्चन नंबर 23, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस इज, एटॉमिक रेडियस का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। देखिए सल्फर, फ्लोरीन, ऑक्सीजन सबकी रेडियस बराबर तो नहीं होगी, ये गलत है। फ्लोरीन का सबसे साइज छोटा होता है रेडियस, इसकी सबसे बड़ी नहीं हो सकती। अब ये आप जब पीरियड में आप कहाँ जाएंगे, देखिए पीरियड में आप लेफ्ट से राइट जाते हैं, पीरियड में आप कब जाते हैं लेफ्ट से राइट, तो पीरियड में जब लेफ्ट से राइट जाते हैं रेडियस घटती है, लेकिन फ्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर, तो इसमें फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है, उसके बाद ऑक्सीजन का बड़ा, फिर सल्फर, तो इसमें ये रेडियाई बढ़ रही है। तो सी इज़ द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस। ये पीरियोडिक टेबल मेंडलीफ क्लासिफिकेशन, जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है, उससे आया है। सी इज़ द मोस्ट, इसका सही आंसर जो है याद रखिएगा सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर देखिए ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 24। एन एलिमेंट क्या कहा जा रहा है इसमें, एन एलिमेंट हैज़ टू आइसोटोप, क्लोरीन के दो आइसोटोप होते हैं 35, 37, इनका रेशियो आपको दे रखा 3:1। तो परसेंटेज आपकी कितनी होगी इसकी, 3 वाले की 75, तो 75 अपॉन 100 इंटू 35, ठीक है, प्लस 25% अपॉन 100 इंटू 37, यू विल गेट 35.5। परसेंटेज को आप एटॉमिक मास से मास कर दीजिए, एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट। तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन ही वैसे भी आपको याद होगा, इसका एवरेज इतना ही होता है, तो यू विल गेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द क्लोरीन एलिमेंट दैट इज एक्स इज अबाउट 35.5। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा जा रहा था कंपाउंड शोइंग एडिशन रिएक्शन, आपको बताना है एडिशन रिएक्शन। तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनके पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है वो क्या करते हैं, वो एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। तो C4H10 ये शो नहीं करेगा क्योंकि सैचुरेटेड है, मीथेन भी सैचुरेटेड है, ये भी सैचुरेटेड है, प्रोपेन C2H2, देखिए इथाइन जो है, सॉरी C2H2 इथाइन, इट अंडरगो एडिशन रिएक्शन, सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन 26 में कहा जा रहा है कंपाउंड हैव शोइंग मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट, तो ये टेबल आपको दे रखी है चैप्टर नंबर 3 में, कैल्शियम ऑक्साइड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, देखिए ये भी आ गया, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का जो करेक्ट ऑर्डर है, तो सबसे ज़्यादा सिल्वर, उसके बाद कॉपर, फिर गोल्ड, फिर एल्युमिनियम, सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28,
टोमेटो कंटेंट, टोमेटो के पास, टोमेटो के अंदर कौन सा एसिड होता है? ना सिट्रिक होता है, ना एसिडिक, ना लैक्टिक, ऑक्जैलिक एसिड, याद रखिएगा। टोमेटो के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑक्जैलिक एसिड। अभी केमिस्ट्री का ही चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा जा रहा है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विद NaOH प्रोड्यूसिंग, अगर एल्युमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन NaOH से हो जाए तो सोडियम एल्युमिनेट बनेगा। सी इज़ करेक्ट, NaAlO2 ना कि Na2AlO2। सी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 में कहा जा रहा है द सब्सटेंस विच कैन प्रोड्यूस CO2 गैस विद बेकिंग सोडा सोल्यूशन, कह रहे हैं कि किसके साथ रिएक्शन कराएं, बेकिंग सोडा का रिएक्शन किसके साथ कराएं कि CO2 गैस, तो किसी एसिड के साथ ही CO2 प्रोड्यूस होगी। तो विनेगर इज द, विनेगर में कौन सा एसिड होता है? CH3COH, तो उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रोडक्शन होगा। सी इज़ करेक्ट, सी बहुत है देखिए इसमें। क्वेश्चन नंबर 31, विच इज़ मोस्ट एसिडिक, सबसे ज़्यादा pH, सब जिसकी pH कम होगी वो ज़्यादा एसिडिक होगा। गैस्ट्रिक जूस की 1.2 है, लेमन जूस की 2.2 है, प्योर वाटर की 7.4 है, ब्लड की भी 7.4 है अप्रॉक्सीमेटली, ये सब बराबर ही है। तो इसका ए आंसर हो गया है, सबसे कम मोस्ट एसिडिक, लेसर pH मोर एसिडिक, ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, विच इज़ एन ऑलफैक्ट्री इंडिकेटर, स्मेल के जरिए, स्मेल के जरिए पता लगाने वाले, तो ये वेनिला एक्सट्रैक्ट होगा जो कि, ठीक है, वेनिला एक्सट्रैक्ट ऑलफैक्ट्री इंडिकेटर में यूज़ होता है, स्मेल से पता लग जाता है ये एसिड है, वेदर इट इज़ एसिड और बेस। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज़ एक्स, आपको एक्स बताना, ये आपने इथेनॉल लिया यहाँ पे, CH3CH2 इथेनॉल, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड 443 पे किया, तो एक्स क्या बनेगा? तो याद रखिएगा सल्फ्यूरिक एसिड की क्या खास बात है, वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, इट रिमूव ऑल द वाटर फ्रॉम द इथेनॉल, इट फॉर्म इथीन। बी इज़ करेक्ट, एक्स, एक्स इज़ व्हाट? बी। क्वेश्चन नंबर 30, आगे बढ़ते हैं। 34, द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ अनसेचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेट मीन्स डबल बॉन्ड इन अल्टरनेट मैनर, अल्टरनेट और वेदर इन ऑल, तो अनसेचुरेट में डबल बॉन्ड हो गया और साइक्लिक भी हो गया, साइक्लिक, तो बेंजीन इस तरीके का स्ट्रक्चर शो करती है, याद रखिएगा CCK6। सी इज़ करेक्ट, बेंजीन इज अनसेचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ये केमिस्ट्री के आपके 15-16 क्वेश्चन जो थे वो कम्प्लीट हो गया। बायोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं तेज़ी से। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स गोज डायरेक्टली इन टू, देखिए पल्मोनरी आर्टरी क्या करती हैं, लंग्स को ले जाती हैं ऑक्सीजनेशन के लिए। अब वहाँ से पल्मोनरी वीन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ लेके आती हैं, कौन से लेफ्ट एट्रियम में लेके आती हैं, देखिएगा। सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36 कहा जा रहा था एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ड्यू टू द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड, ठीक है, अगर वाटर का एब्जॉर्प्शन जो है एनर्जी एक्सपेंडिचर, देखा होगा आपने लोअर कंसनट्रेशन से हायर से लोअर जाएगा तो एनर्जी खर्च नहीं होगी, लेकिन लो से हाई की तरफ जाएगा तो एनर्जी खर्च होगी, तो ये प्रोसेस एक्टिव एब्जॉर्प्शन कहलाता है, ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, द ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन इज, तो एब्सिसिक एसिड जो ABA है वो ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन है, जो ग्रोथ को, ठीक है, पत्तियों को गिराना, ठीक है, ग्रोथ को रोकना, ये एब्सिसिक एसिड का काम है। सी इज़ करेक्ट। एंड क्वेश्चन नंबर 38, कलर थोड़ा चेंज करते हैं, चलिए लेते हैं, तो क्या है क्वेश्चन नंबर 38, कॉलरा इज स्प्रेड बाई, कॉलरा किस तरीके से फैलता, तो ये वाटर के कंटेमिनेशन से, ड्रिंकिंग ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर से फैलता, बी इज़ करेक्ट। ये आपकी बहुत थ्योरी बहुत मजबूत होनी चाहिए बायोलॉजी के लिए। क्वेश्चन नंबर 39, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स आर, जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं विच हैव कोल्ड ब्लडेड, ऐसा नहीं है, हु कैन रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, गलत, ये होमियोथर्म्स होते हैं, हु फील कोल्ड अलॉट, गलत, हु कैन नॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, अपने बॉडी के टेम्परेचर को ये मेंटेन नहीं कर सकते, डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40 बहुत अच्छा है, देखिए तो 2020 तो आप देने जाएंगे एंड सो ऑन, और उसके लिए आपके लिए पेपर करना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 40 देखता है, इवॉल्व ऑक्सीजन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ, देखिए जब पौधे खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के वक्त, तो ऑक्सीजन जो इवॉल्व होती है वो कहाँ से निकलती है, तो ये वाटर से निकलती है, याद रखिएगा, सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41, बायोलॉजी जल्दी हो जाएगी, इसमें कैलकुलेशन नहीं, द स्ट्रक्चर प्रोड्यूस अलोंग द लीफ मार्जिन ऑफ ब्रायोफिल्म एंड आफ्टर फॉलिंग ऑन द सॉइल डेवलप इनटू न्यू प्लांट, कह रहे हैं कि जो ब्रायोफिल्म की लीफ जब ज़मीन पे गिरती है तो उसमें से एक सॉइल में नीचे जाने के बाद न्यू प्लांट बनता है, तो लीफ के मार्जिन से क्या निकलते हैं, सीड्स निकलते हैं, स्पोर, बड, तो ये बड निकलते हैं, याद रखिएगा, लीफ के मार्जिन से बडिंग निकलना स्टार्ट हो जाती है ब्रायोफिल्म में। क्वेश्चन नंबर 42, इन 1987 द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम सक्सीडेड इन फॉरेजिंग एग्रीमेंट टू फ्री CFC प्रोडक्शन, 1987 UNEP एक प्रोग्राम बनाया कि CFC को फ्रीज कर दे, तो किस लेवल में, किस ईयर में इसको, किस लेवल में, प्रोडक्शन एट
सीएफसी का प्रोडक्शन का जो फ्री सीएफसी प्रोडक्शन एट विच लेवल, तो 1986 लेवल में इसको फ्रीज कर दिया गया यूएनईपी, इसको फ्रीज कर दिया। क्वेश्चन नंबर 43, वाटर हार्वेस्टिंग इज एन ओल्ड एज प्रैक्टिस इन इंडिया, राजस्थान एज इन राजस्थान इट वॉज थ्रो, तो ये खादीन से याद रखिएगा राजस्थान में है और कुल हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। खादीन इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस। ब्लड प्रेशर क्वेश्चन कहा जा रहा है, ब्लड प्रेशर एंड सॉलिवेशन इज कंट्रोल बाई, जो लार निकलती है और ब्लड प्रेशर को मेंटेन कौन सा रीजन है ब्रेन का जो करता है, सेरेब्रम नहीं करता, सेरेबेलम, हाइपोथैलेमस, मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा इज अ वॉमिट सेंटर एज वेल एज सॉलिवेशन ब्लड प्रेशर, दैट इज इनवॉलंटरी एक्शन ऑल आर कंट्रोल बाई मेडुल्ला। क्वेश्चन नंबर 45, सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल वॉज प्रपोज, ठीक है, सेल्स अराइज फ्रॉम पुराने सेल से नए सेल आते हैं, ये किसने कहा था, ये रोडोल्फ विर्चो ने कहा था, डी इज करेक्ट, विर्चो ने ये कहा, वही आइडिया दिया था, ओमनी सेलुला ई सेलुला मीन्स ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और क्वेश्चन नंबर 46, द फिनोटाइपिक रेशियो इन मेंडेलियन डायहाइब्रिड कॉस, फिनोटाइपिक रेशियो मेंडेलियन डायहाइब्रिड कॉस में क्या है, तो 9:3:3:1 है, सी इज करेक्ट, ये आपको क्रॉस करना पड़ेगा, और इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन का ये फंडा है। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सिक्वेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, इसको हायरार्की का ऑर्डर बताना, किंगडम, किंगडम देखिए है नहीं, तो फाइलम, क्लास, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ये पहला वाला ही ठीक है, कन्फ्यूजन ना हो, की पॉट क्लीन फैमिली गेट से किससे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48, इन प्लांट्स वाटर इज कंडक्टेड थ्रू, प्लांट्स में वाटर कैसे कंडक्ट होता है, वेसल्स करती हैं याद रखिएगा, जाइलम वेसल, वेसल्स ट्रैकेट्स होते हैं, वेसल इसमें हैं, दे कंडक्ट वाटर टू द अपवर्ड, ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ टेस्टीज, सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ये दोनों काम टेस्टीज के हैं, डी इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ बायोलॉजी देखिए 50, हमारा बायोकेमिस्ट्री का पोर्शन हो जाएगा और फिजिक्स आप फिजिक्स टीचर से कंसेंट करिएगा। फ्लेम सेल्स आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ, फ्लेम सेल किस में पाए जाते हैं, तो ना तो एनालिट्स में पाए जाते हैं, ना इकाइनोडर्म्स, ना सीलेंटेड, प्लेटी हेलमेंथिस में पाए जाते हैं, डी इज करेक्ट। तो इट इज़ ऑल अबाउट द बायोकेमिस्ट्री पोर्शन ऑफ टू डिप्लोमा इन साइंस स्ट्रीम, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ये पेपर है 2019-20 का, और ये हमने पूरी तरह से सॉल्व कर दिया। तो एनी क्वेरी आस्क इन द कमेंट बॉक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।